Hello everyone, I am Vishali, faculty of MBA International School. I am a teacher of computer of class 6 and today we start with the chapter 1, Computer Fundamentals. Computer. When we heard the word computer, what's come in our mind? The image of the computer. And what are the basic use of computer? We can watch movies, listen music and play games. And we also use for our works like we can use axis, we can use the paint. So these are the basic functions that you learned in your previous classes. Now in this chapter, we are going to learn what is the computer and what are the functions of the computer, what is the process of the computer, how it process. Okay, let's get started. What is computer? Computer is an electronic device and machine that help us to store the data and process data at very high speed with accuracy. Now what is computer? Computer is electronic device, as you all know, and machine that help us to store. We can store the data, or lots of data, in a computer and process data at a very high speed. Computer works in a computer gives a result in a nanoseconds. Computer works very fast and speed with the accuracy. Now what is the meaning of the accuracy? Accuracy means the computer gives a accurate result. एक perfect result जो होता है वो computer हमें देता है. Now what are the functions of the computer? It accepts data and instructions from input device. Computer कैसे work करता है? Computer instructions पे work करता है. और instructions अब कैसे देते हैं? Input device के थ्रू. Input device क्या क्या हुए? कीबोर्ड एंड माउस, इनके थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इट स्टोर्स डाटा. अब वो इंस्ट्रक्शंस का करता क्या है? कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए, लेकिन उन इंस्ट्रक्शन का होता क्या है? वो उनको स्टोर करता है ताकि हम उनको आगे यूज कर सकें. इट प्रोसेस डाटा इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर. अब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिए, पर वो प्रोसेस कैसे करता है डाटा? जो भी हमें कंप्यूटर के अंदर जो यूजर है, जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अब आपने कंप्यूटर में मैंने आपको बोला कैलकुलेटर यूज करने के लिए बोला. कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर होता है, हमने वैसे भी कैलकुलेटर यूज करते हैं. तो कैलकुलेटर के अंदर मैंने बोला आपको कुछ डिजिट दे दिया आपको, और आपको उनको प्लस करना है. एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल एग्जाम्पल लिया हमने 10 + 20. ठीक है, अब 10 + 20 हमने उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए, हमने टाइप किया कीबोर्ड के थ्रू 10 + 20, और फिर उसके बाद वो प्रोसेस करेगा. प्रोसेस के बाद वो हमको रिजल्ट देगा. किस पे देगा? आउटपुट डिवाइस, यानी कि हमारे मॉनिटर पे. क्या रिजल्ट आएगा? 30. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये प्रोसेस हुआ कंप्यूटर के अंदर. जो किसने दिया? यूजर ने दिया. यूजर को ना आप. इट कंट्रोल्स ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जितने भी हम ऑपरेशंस करते हैं वो सब कौन कंट्रोल? कंप्यूटर कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करके रखता है. इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम कुछ भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमको आउटपुट के थ्रू, आउटपुट के फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है उसका. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फंक्शंस यूनिट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर एक्चुअल वर्क करता कैसे, उसकी एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर. इन दिस फर्स्ट वी give instructions to computer through the input device, then it will process in the CPU, then it gives the result, it will give the result through the output device. Now example, input device, we input like मैं जैसे calculator का आपको example दिया, तो उसमें हमने calculator input किया. इनपुट डिवाइस के अंदर हमने कोई भी कैलकुलेशन की, या हम कुछ भी वर्क करें, एक्सिस, जैसे हमने एक्सेल यूज किया. वर्ड एक्सेल सबको पता है कि वर्ड एक्सेल क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, उसमें रिजल्ट भी बनता है हमारा. ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हमने आपके रिजल्ट दिया कंप्यूटर के अंदर, आपके सब्जेक्ट्स अंदर एंटर किया, कंप्यूटर के अंदर एंटर किया, सब्जेक्ट एंटर किया, आपके मार्क्स एंटर किए इनपुट डिवाइस के थ्रू, मीन्स कीबोर्ड के थ्रू. देन इट विल प्रोसेस इन द सीपीयू. सीपीयू ने उस रिजल्ट को प्रोसेस किया, फिर उसकी जो टोटलिंग, आपकी ऑल सब्जेक्ट की जो टोटलिंग आई, वो आई आउटपुट डिवाइस के थ्रू. आउटपुट डिवाइस मीन्स मॉनिटर पे आपको वो उसका रिजल्ट दिखा.
नाउ सीपीयू प्रोसेस कैसे करता है। सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट होते हैं, सीयू जो कंप्यूटर के अंदर जो भी आप वर्क कर रहे हो उनको कंट्रोल करता है। एएलयू, एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो उस जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो एएलयू कंट्रोल करता है, वो उस पर एएलयू का वर्क होता है। देन सीपीयू हैज द टू मेमोरीज, टू बेसिक मेमोरीज विच इज फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड नाउ वॉट इज द प्राइम यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड वॉट इज द यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, वी कैन डिस्कस इट लेटर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, फर्स्ट स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट इन अ नैनो सेकेंड। सेकेंड इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स विद द करेक्ट आंसर, मीन कंप्यूटर गिव्स यू द रिजल्ट विद द 100% करेक्ट। नाउ मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर क्या है बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। नाउ रिलायबिलिटी, व्हाट इज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स, यानी कि जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स वर्क करते करते हम 2 घंटे 3 घंटे अगर कंटिन्यूसली वर्क भी करें तो हम बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है, हमको रेस्ट 5 मिनट्स रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो घंटों तक, जैसे हम ऑफिस वर्क करते हैं, हमारे फादर से ऑफिस वर्क करते हैं घंटों तक कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो घंटों तक मतलब 8 आवर्स भी अगर वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो ह्यूमन बींग, यानी वो ह्यूमन बींग है तो वो टाइट होते टाइट फील करेंगे, लेकिन कंप्यूटर कभी भी टाइट फील नहीं करता। एंड लास्ट वन इज वर्सेटिलिटी, व्हाट इज वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन वर्क सिमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेसी, मीन्स वर्सेटिलिटी कि कंप्यूटर सिमल्टेनियसली, यानी कि वो हम अगर एक वर्क पे म्यूजिक भी सुन रहे हैं साथ में किसी वर्ड पे या नोटपैड पे हम वर्क भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वर्सेटिलिटी। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, नो डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर को कुछ भी डिसाइड करने की पावर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है, इंस्ट्रक्शंस कौन देते हैं यूजर और यूजर कौन है हम, तो हमको पता है कि हमने कंप्यूटर को कितने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुए हैं या नहीं, वो सिर्फ यूजर को पता है। तो कंप्यूटर को कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है कि वो डिसाइड करे कि उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं, बस वो ओनली उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो उतना ही वर्क करेगा। नेक्स्ट नो इमोशन, कंप्यूटर हैज नो इमोशंस नो फीलिंग्स। देन नो लर्निंग, कंप्यूटर हैज नो लर्निंग पावर। सेल्फ केयर, एज द ह्यूमन बींग वी टेक केयर आर सेल्फ, कंप्यूटर कैन नॉट टेक केयर इट सेल्फ। एंड नो थिंकिंग, कंप्यूटर हैज नो थिंकिंग पावर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर हैज टू मेन पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर इज इट कंसिस्ट ऑफ अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच एंड फील। एंड व्हाट आर द लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर, नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम जो भी कंप्यूटर में अंदर इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, वट एवर वी गिव द इंस्ट्रक्शन और वट एवर वी राइट द प्रोग्राम इन द कंप्यूटर दे आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। लाइक वी ऑल लाइक वी यूज द एप्लीकेशंस लाइक वर्ड, एक्सेल, एमएस वर्ड, नोटपैड, वट आर दे आर द सॉफ्टवेयर दैट वी यूज। कंप्यूटर सिस्टम, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम हैज टू पार्ट, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। एंड हार्डवेयर हैज 4 पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड मेमोरी डिवाइस। एंड सॉफ्टवेयर हैज 3 पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ वी मोर लर्न अबाउट द हार्डवेयर, पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस, नाउ व्हाट इज इनपुट डिवाइस, द पीस ऑफ हार्डवेयर यू यूज टू एंटर डेटा इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड ए इनपुट डिवाइस।
whatever the data or end instructions we entered into the computer, these are called the input device. Example, keyboard. अब कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड के थ्रू हम कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है, अल्फाबेटिक कीज होती है, फंक्शन कीज होती हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर की होती हैं. तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं और की प्रेस करने पे क्या होता है, मॉनिटर पे हमको उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दिखते हैं. ऑप्टिकल माउस. अ माउस, माउस अब जानते हैं हम क्यों यूज करते हैं. माउस में दो बटन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. तो हमें कोई भी फंक्शन कंप्यूटर के अंदर ओपन करना होता है, जैसे हम कोई भी आइकन है कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे हमें जो स्क्रीन है वहां पे हमको क्या दिखता है, आइकन दिखते हैं. जैसे कंप्यूटर आइकन है तो उस पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे किससे, माउस से, तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा. तो वो क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस. नाउ टचपैड. टचपैड क्या है, लैपटॉप देखा है हमने, लैपटॉप पे क्या होता है, माउस नहीं होता है. तो माउस की जगह हमें क्या अवेलेबल किया गया है, टचपैड यूज किया अवेलेबल किया गया है. तो उसे हम यूज करके कुछ भी अगर कंप्यूटर में ओपन करना हो तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, और उसमें दो बटन भी होते हैं. तो वो क्या होता है, टच पैड, जो कि किस लिए यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस के लिए. नेक्स्ट इज टच स्क्रीन. टच स्क्रीन हमारा फोन है, फोन पे क्या करते हैं, एंड्रॉइड फोन है हमारा, उसमें कीपैड नहीं होता है, उस पर हम क्या करते हैं, टच स्क्रीन वर्क चलता है हमारा. तो वो भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस. नाउ आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट रेफर्स टू द रिजल्ट्स that the computer gives after processing data. Output device is a piece of hardware used to present the output generated by the computer to the user. Now, what is output device? Output refers to the result that the computer gives after processing data. जो भी हम computer के अंदर input करते हैं उसके बाद वो process होता है, after processing हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है. रेफर्स टू द रिजल्ट, जो हमें क्या होता है, रिजल्ट के तौर पे हमको आउटपुट मिलता है. नाउ आउटपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर. आउटपुट क्या है, पीस ऑफ हार्डवेयर है. पीस ऑफ हार्डवेयर मीन्स जैसे हमारा एग्जांपल, हमें पास मॉनिटर. मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है, पीस ऑफ हार्डवेयर जिसपे हमको क्या रिजल्ट शो होता है. यूज टू प्रेजेंट द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर टू द यूजर. जो क्या करता है, हम जो भी मॉनिटर पे जो भी हम इनपुट करते हैं इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो भी स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमें क्या करता है, इनपुट मॉनिटर के थ्रू हमें रिजल्ट शो करता है. और वो कैसे होता है, जनरेटेड बाय द ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे जनरेट होता है टू द यूजर. कौन देता है, यूजर. और यूजर कौन होता है, जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा होता है. जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे तो आप क्या हुए, उसके यूजर हुए. नाउ सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर, सम कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं, वो क्या है, मॉनिटर जिसपे हमें आउटपुट शो होता है, स्पीकर्स. स्पीकर्स क्या है, वो भी आउटपुट डिवाइस है. कैसे, स्पीकर हम कोई भी अगर कंप्यूटर पे हम सॉन्ग्स म्यूजिक सुनते हैं तो हमको सुनाई कैसे देता है, स्पीकर के थ्रू होता है. तो स्पीकर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर, हम प्रिंटर यूज करते हैं, कुछ भी हमें कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट निकालना होता है. लाइक हमने एक लेटर लिखा तो लेटर से हमको क्या, प्रिंट कंप्यूटर में लेटर लिखा एप्लीकेशन यूज करके, फिर हमने क्या किया, प्रिंटर से उसको पेपर को निकाला. प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं हम, प्रिंटर कॉपीज के लिए, हार्ड कॉपीज के लिए. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट डिवाइस. नाउ प्रोसेसिंग डिवाइस. नाउ व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, इनपुट करते हैं. जो भी हमें कंप्यूटर के अंदर वर्क करना होता है उसके लिए हम पहले इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और देन हमें आउटपुट पे रिजल्ट शो होता है उसका. ठीक है, पर प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस होती कैसे, वर्क कैसे करता है, देन द सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. एंड सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट डज ऑल द वर्क फॉर अ कंप्यूटर. सीपीयू क्या करता है, जितना भी हम कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं वो सारा वर्क कौन करता है, सीपीयू. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसलिए सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. नाउ सीपीयू हैज थ्री बेसिक पार्ट्स, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU एंड मेमोरी यूनिट MU. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ द ALU, वर्क के ALU वर्क करता क्या है, इट डज ऑल द कैलकुलेशंस. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है,
जिस कंप्यूटर के अंदर हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, वो सब कौन करता है? ALU, CU. CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर. अब कंट्रोल क्यों करता है? अगर हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर क्या करता है? बहुत स्पीडली वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है, तो कंप्यूटर को कंट्रोल करना जरूरी है कि हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो अगर कंट्रोल नहीं होगा, अगर वो कुछ ही सेकंड्स में हमको बस स्क्रीन पे दिख कर चला जाएगा तो हम उस पर वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. क्यों? उसका एक कंट्रोल होना जरूरी है कि वो फर्दर टाइम, मतलब इतने टाइम तक हमको शो हो तभी तो हम उस पर वर्क कर पाएंगे. तो CU किस लिए यूज करता है? कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर. नाउ MU, मेमोरी यूनिट. MU, इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड instructions इनसाइड द प्रोसेसर टेम्पररी. MU क्या होता है? मेमोरी यूनिट. अभी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी instructions स्टोर, डाटा स्टोर करता है कंप्यूटर, तो वो कहाँ करता है? कोई मेमोरी होगी. जैसे हमारा ब्रेन है, हम कुछ भी लर्न करते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में स्टोर होता है. वैसे कंप्यूटर के भी ब्रेन के लिए हमें क्या होता है? MU बनाया गया, यानी मेमोरी यूनिट बनाया गया, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्टोर करते हैं तो वो कहाँ होता है? मेमोरी यूनिट के. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. एंड प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, रैम एंड रोम. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी. मीन्स हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसको स्टोर करना जरूरी होता है. तो वोलेटाइल मीन्स क्या होता है? कि अगर हम कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहे हो और एकदम से अगर लाइट्स चली जाती हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होगा? टर्न ऑफ होगा. उससे क्या होगा? हम जो भी वर्क कर रहे होंगे कंप्यूटर में वो डिसअपेयर हो जाएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उससे पहले स्टोर करना होता है. कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ताकि हम कभी भी उसको, जब भी हमें फर्दर आगे अगर फ्यूचर में हमको उसकी जरूरत होती है तो हम उसको यूज कर सकें. रोम, रीड ओनली मेमोरी. रोम इज अ नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मीन्स, फॉर एग्जांपल, हम उसको एग्जांपल के से समझते हैं कि अगर हमने एक्सिस पे, एक एक्सिस पे या एक्सेल पे हमने कोई भी फाइल क्रिएट की, वो हमने क्रिएट करके उसको सेव कर दी. अब सेव करने के बाद अगर हम कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं और वापस टर्न ऑन करते हैं, तो हम उसी सेव फाइल को वापस यूज कर सकते हैं. जैसे वोलेटाइल का मतलब क्या था? अगर हम फाइल सेव नहीं करेंगे तो वो डिसअपेयर हो जाती है. लेकिन अगर हम कोई भी फाइल, किसी भी फाइल को, जो सेव फाइल है, उसको यूज करते हैं, तो उसको हम बाद में टर्न ऑन होने के बाद जो सेव फाइल है उसको वापस रीओपन करके उसको यूज कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज दी परमानेंट मेमोरी ऑफ दी कंप्यूटर. वट एवर वी सेव इन द कंप्यूटर इज सेव इन द सेकेंडरी मेमोरी. नाउ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसको हम बाद में कॉपी, पेस्ट, मूव कुछ भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेव है तो हम कभी भी उसको ओपन करके यूज कर सकते हैं उस फाइल को. फॉर एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क, CD-ROM एंड DVD. थैंक यू. नाउ योर कंप्यूटर chapter is complete.